हेलो दोस्तों, अगर आप GTA Vice City बिग मिशन पैक मोड खेल रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि इस मोड में 130 से भी ज़्यादा न्यू मिशन है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी मिशन को प्ले किए बगैर ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना होगा। अगर आपने वीडियो कहीं से भी स्किप की तो आपको इंस्टॉलेशन मेथड समझ नहीं आएगा और आपके गेम में कोई भी एरर आ सकता है। इस मोड में कुछ मिशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं और जब तक आप एक मिशन को कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक आपके लिए दूसरा मिशन अनलॉक नहीं होता। यानी कि जब आप एक मिशन को कंप्लीट करेंगे तब ही आपके सामने दूसरा मिशन ओपन होता है। तो अगर आपको कोई मिशन मुश्किल लग रहा है और आप वो मिशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो आप दूसरे मिशन को नहीं खेल सकते। लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगा जिसकी मदद से आप किसी भी मिशन को कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी उसे खेले बगैर ही। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आपने एक फ़ाइल को डाउनलोड करना है। उस फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपने एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना है। जैसे ही ये फाइल एक्सट्रैक्ट होगी आपने इसको ओपन करना है और यहाँ से बिग मिशन पैक रीवीसी ये वाला फोल्डर आपने ओपन करना है और इसमें सब फाइल्स को कॉपी करना है और अपनी GTA Vice City गेम में जाकर आपने पेस्ट कर देना है। जब तक आप ये वाला मोड अपनी गेम में पेस्ट नहीं करेंगे तब तक आपके पास जो सेव गेम है ये वर्क नहीं करेंगी और आप किसी भी मिशन को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। अब आपने ये वाला फोल्डर ओपन करना है। यह आपको जितने भी मिशन इस मोड में है वो सब आपको उनके नेम्स के साथ यहाँ आपको नज़र आएंगे। अगर आप इनमें से कोई भी मिशन कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उसके फोल्डर को ओपन करें। जैसे अब मैं थर्ड डेट ये वाला मिशन कंप्लीट करना चाहता हूँ तो ये मैं इसके फोल्डर को यहाँ से ओपन करूँगा और यहाँ आपको एक सेव गेम नज़र आएगी, ये आपने कॉपी करनी है। और कॉपी करने के बाद आपने अपनी गेम के फोल्डर में जाना है और यहाँ आपको यूज़र फाइल्स ये ऐसा फोल्डर नज़र आएगा, आपने इस फोल्डर में जाके इसको पेस्ट कर देना है। जैसे ये सेव गेम यहाँ पेस्ट होगी तो ये मिशन कंप्लीट हो गया है और ये मिशन आपकी लोड गेम में जो पहले वाली सेव गेम है वहाँ कंप्लीट हो गया है। अगर आपके पास ये फोल्डर नहीं है तो आपको सबसे पहले अपनी गेम को एक बार चलाना होगा, उसके बाद ये फोल्डर भी आपकी गेम में बन जाएगा। तो अब मैं अपनी गेम को चला के देखता हूँ कि ये मिशन कंप्लीट हुआ है या नहीं। दोस्तों, मैंने अपनी गेम चला ली है और अब मैं देखता हूँ कि कहाँ वो मिशन कंप्लीट हुआ है। इसके लिए आपने स्टार्ट गेम पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने लोड गेम यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको यहाँ एक सेव फाइल नज़र आएगी, सबसे पहले VC बिग मिशन पैक रीवीसी। जैसे ही आप इसको यहाँ से गेम लोड करेंगे तो आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो वो थर्ड डेट वाला मिशन जो मैंने यूज़र फाइल फोल्डर में ऐड किया था वो अब कंप्लीट हो चुका है और उसकी जगह दूसरा मिशन अब आप खेल सकते हैं। इसी तरह आप किसी भी मिशन को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली उसके फोल्डर में जाके उसकी सेव फाइल को कॉपी करना होगा और अपनी गेम के जो यूज़र फाइल फोल्डर हैं वह आपको पेस्ट करना होगा। इसी तरह आप उसके जो 130 से भी ज़्यादा न्यू मिशन हैं आप उनमें से किसी भी मिशन को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।